हेलो फ्रेंड्स, व्यू स्पोर्ट्स काउच पे आप सभी का स्वागत है। हैदराबाद बनाम राजस्थान आईपीएल क्वालिफायर 2 का ये प्रीव्यू और इस मैच की भी फाइनल व्यू स्पोर्ट की एआई फैंटेसी टीम आपको व्यू स्पोर्ट ऐप पर मिल जाएगी। आरसीबी वर्सेस आरआर था क्लीन स्वीप। ये दोनों टीम्स आपस में जब खेली थी सीजन में इसके पहले, वो भी था प्रॉफिटेबल गेम। क्या फिर से व्यू स्पोर्ट एआई टीम धमाका मचाएगी कि नहीं, ये देखने के लिए आपको व्यू स्पोर्ट ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पिन कमेंट में है। जो भी इस लिंक के थ्रू व्यू स्पोर्ट ऐप को डाउनलोड करेगा या यूज करेगा हमारा रेफरल कोड YouTube24 डेली के 3 लकी विनर्स को मिल रहा है व्यू स्पोर्ट का 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री। तो जाइए फटाफट डाउनलोड कीजिए, चलते हैं इस फैंटेसी प्रीव्यू की तरफ। पीयूष भाई, ओवर टू यू। राजस्थान रॉयल्स जीत चुकी है अपना पहला मैच इस महीने और खेलने वाली है क्वालिफाइड 2 अगेंस्ट सनराइजर्स हैदराबाद, और उस वेन्यू पे दोनों टीम्स का सबसे खराब रिकॉर्ड रहा है एट चेपॉक। आखिरी बार जो दोनों टीम्स खेली थी तो सिर्फ डिफरेंस रहा था 1 रन का। हेलो, वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स स्काउट पावर्ड बाय फैंटेसी अकेडमी। मैं पीयूष शर्मा, हमारे साथ में हमारे स्काउट मिस्टर प्रतीक गुसार एंड मिस्टर आकाश चोपड़ा। राजस्थान से तो मेरा प्यार भी बहुत है। पिछला वाला एपिसोड किसी ने देखा भी नहीं होगा, मैंने किसको कहा था, तो अच्छा लगा, मतलब जीत गई राजस्थान, गुड है। 2 साल रणजी ट्रॉफी भी जीते थे हमारे साथ, वेरी नाइस यार, लवली पीपल यू सी। नहीं, एक बात तो है, देखो एक बात तो है, फैंस फैंस बड़े क्यूट है इनके, तो अच्छा लगता है एक्चुअली। सर वैसे ट्विटर पे लोग अभी भी यही ट्रोल करते हैं कि फैंस है इनके, कहाँ पे है वो फैंस। बट लास्ट 2-3 सीजन्स पे राजस्थान रॉयल्स का फैन बेस जो है वो काफी बड़ा है, जैसी परफॉर्मेंस रही है, और जो इंडियन सुपरस्टार्स हर बार जो नहीं होते थे वो इंडियन सुपरस्टार्स भी हैं, और एक बहुत ही बैलेंस साइड जीतने के बाद तो लग रही है। 5 मैचेस क्या जो एक वो ड्रॉट आया था जो कि बहुत ही अच्छा सीजन जा रहा था, उसके बाद में अब लग रहा है, सर आपको लग रहा है वो पीकिंग एट द राइट टाइम है, मतलब एलिमिनेटर जीत के फिर क्वालिफायर जीत के फिर फाइनल जीत के इसे ट्रॉफी उठा ले। ना ठीक है, आज के मैच पे आते हैं, 1 गेम एट अ टाइम। प्रदीप भाई, दोनों टीम्स की बात करें, जैसे मैंने कहा कि दोनों टीम्स का रिकॉर्ड एट चेपॉक बहुत ही खराब रहा है। सनराइजर हैदराबाद सबसे खराब विन परसेंटेज एट चेपॉक इन आईपीएल, 10 मैचेस में से सिर्फ आज तक 1 मैच जीत पाए, वो 9 हारे। वही राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो 9 में से सिर्फ 2 जीत पाए, 7 हारे। वो दोनों साइड जो कि इस वेन्यू पे स्ट्रगल करती हुई दिखी है, लेकिन राजस्थान का जो स्पिन अटैक है वो क्या उन्हें फेवरेट बनाता है आपके लिए, क्या वो फेवरेट है और क्या होगा आपका फैंटेसी कॉम्बिनेशन? हाँ पीयूष भाई, मतलब मेरे हिसाब से राजस्थान रॉयल्स को फेवरेट्स मानूंगा मैं इस पर्टिकुलर गेम में। लास्ट गेम जीत कर आ रहे हैं, ओवरऑल आई फील टीम कॉम्पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और हमने ये पहले भी बात करा था कि अगर हैदराबाद के लिए जिस दिन ओपनर्स फेल होते हैं वहां पर फिर रियल स्ट्रगल आएगी, और हमने पिछले गेम में देखा होते हुए चेन्नई वाले विकेट में शायद इतना ईजी ना हो आइदर ऑफ द ओपनर्स के लिए उतना अग्रेसिव जाना, मतलब ये वो गेम होगी जहां पे। एंड आकाश सर, आई विविडली रिमेंबर सेइंग कि ही वाज राइट कि हैदराबाद की स्ट्रेंथ शायद बोलिंग उतनी नहीं है बिकॉज सामने उतना रन भी कंसीड करे, हमने ये सेम पिछले वीडियो में भी सेम डिस्कस करा था। तो राजस्थान रॉयल्स मेरे फेवरेट्स होंगे इस पर्टिकुलर टीम में। टीम कॉम्बिनेशन की बात करें तो 6-5 सॉर्ट ऑफ ही होगा, कोई भी एक टीम को ओवरली लोड करके नहीं जाऊंगा बिकॉज अगेन बड़ा गेम है, इसमें चाहे हम कितना भी खेलें मतलब कोई भी आउटराइट फेवरेट्स जैसा नहीं होगा। अगर सर चेपॉक की हम बात करते हैं, और बहुत बहुत टीम हमें देखने को मिली है लास्ट 2-3 मैचेस की अगर बात करें जो नाइट गेम्स थे, और इनफैक्ट पहली इनिंग में ड्यू आ गई थी, आपको लगता है ये मैच भी टॉस पर डिसाइड हो सकता है इस पूरे सीजन? यहाँ पे सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम मैच जीती है, एक बार तो हैदराबाद ही हारी थी चेन्नई से जब उन्होंने दोनों मैचेस में 200 रन से ऊपर बनाए थे। तो या तो आप एक बहुत ही बड़ा टोटल बनाएंगे बैटिंग फर्स्ट करते हुए, या फिर बहुत इजीली वो सेकंड इनिंग्स में चेस होते हुए हमने इस सीजन में देखा क्योंकि इतनी डीव आई है। आपको लगता है टॉस फिर से एक मैसिव एडवांटेज होगा जैसे हमने अहमदाबाद में बात की थी? पॉसिबल है, पॉसिबल है इसमें। वैसे क्योंकि केरला में तो थोड़ी सी बारिश के भी चांसेस बने हैं एक्चुअली, और हो सकता है वहां तो मतलब ऑरेंज अलर्ट वगैरह थी, तो क्या पता कहीं थोड़ा सा बारिश वारिश का भी कहीं प्रकोप ना आ जाए, और अगर क्लाउडी कंडीशंस होती हैं जनरली तो फिर ड्यू नहीं आता है। पर जो हमने जो रिकॉर्ड्स देखे हैं इसके अंदर सिर्फ एक वो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेना चाहिए कि आप जब इस मैदान के रिकॉर्ड देखते हैं तो वर्सेस सीएसके देखते हैं, तो सीएसके के घर पे तो कौन ही किसको हरा पाता है, मतलब वो सबसे जीत जाते हैं मुंबई को छोड़ के। तो जब उस दृष्टिकोण से आप देखते हैं तो लगता है कि आई मीन मतलब ओके फाइन, ये चेन्नई से हारे हैं, ये आपस में खेल के नहीं हारे हैं, मतलब कितनी बारी खेले होंगे कि हैदराबाद और राजस्थान का मुकाबला चेन्नई में हो रहा है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि कोई क्लियर कट फेवरेट की तरीके से तो मैं नहीं जा रहा हूँ। टॉस पे डेफिनेटली अगर ड्यू आने वाली है तो जो टीम चेस करेगी उसका पलड़ा भारी होगा। हैदराबाद के पक्ष में एक बात जरूर जा रही है कि ये जो टीम है जिस तरीके से खेलती है, एक गंदा दिन आ सकता था, वो गंदा दिन आ चुका है, वो जो 160 भी नहीं बना पाए थे वो हो चुका है, दैट्स बिहाइंड देम। तो उसके बाद अगर ये कहीं पहुंच जाते हैं
ये तो अगर 200 बना देते हैं पहले बैटिंग करते हुए, फिर ड्यू नो ड्यू राजस्थान को हमने 170 में भी लड़खड़ाते हुए देखा है, तो आई डोंट थिंक इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड गेम होगा कि भाई हेविली लोडेड इन द फेवर ऑफ वन टीम। तो क्लियर कट फेवरेट्स के रूप में तो मैं नहीं कहूंगा कि राजस्थान है या इवन सनराइजर्स हैदराबाद। आपने खराब दिन की बात की तो ट्रेविस हेड का एक और खराब दिन आया, दो बैक टू बैक डक्स, और उस खराब दिन की हमने बात की थी काफी डिटेल में, वो मिस्टर स्टार्क वाले मैचअप की, और एग्जैक्ट सेम डिसमिसल उनका फिर से आया, वो फुल डिलीवरी, बॉल थोड़ी बाहर जाती हुई, और कंप्लीटली ऐसा लग रहा है कि डोमिनेट करते हुए दिखे हैं मिस्टर स्टार्क। अब दो बैक टू बैक लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट बोल्ड हुए हैं, एक और लेफ्ट आर्म पेसर, सिर्फ पेस का फर्क है, बाकी सेम लाइन लेंथ वो भी डालते हैं ट्रेंट बोल्ट। आखिरी मुकाबला हैदराबाद में जब हुआ था तब ट्रेविस हेड ने 50 जरूर मारी थी, लेकिन अर्ली ऑन एक कैच ड्रॉप हुआ था उनका जो कि रियन फरांग ने ड्रॉप किया था। इसके अलावा अश्विन के अगेंस्ट बहुत ज्यादा स्ट्रगल वो करते हुए दिखे थे, मुझे याद है आपकी कॉमेंट्री पे भी जब आप बोल रहे थे कि हर बॉल पे ऐसे लग रहा था कि अश्विन के अगेंस्ट आउट हो सकते हैं, और अश्विन वैसे उससे याद आया प्ले टू वर्ल्ड सर आपके, और लास्ट मैच में आप पोस्ट मैच में अश्विन के साथ काफी देर आपने गुफ्तगू की, कुट्टी स्टोरीज आपने हाँ शूट की उनके साथ, आपने करेक्ट। बोला भी बहुत अच्छी बॉलिंग की आपने, लेकिन आपकी टीम में जगह नहीं मिला पाए वो। हाँ वो उसको बताना नहीं है, ये वीडियो भी कोई शेयर नहीं करना कि मेरी टीम में नहीं थे रविचंद्रन अश्विन, और इंटरेस्टिंगली इनफ मेरे किसी ऑपोजिशन की टीम में भी नहीं थे, तो ठीक है, तो मजे ही मजे, नहीं तो मोए मोए हो जाता। अगर बाकियों की टीम में होते तो मोए मोए था, लेकिन किसी की टीम में नहीं थे तो फिर मजे ही मजे, क्योंकि मेरा मैच तो अच्छा गया, अश्विन का मैच अच्छा गया, आई मीन सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा है, तो बहुत बढ़िया। तो रविचंद्रन अश्विन अब पहुंच गए चेन्नई, और वो एक थ्रेट हो सकते हैं, नई गेंद में वो आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि राजस्थान इज नॉट अ टीम जो वो ट्रिक्स मिस करती है, वो उस तरीके से उनकी प्लानिंग बड़ी प्रॉपर रहती है। इनफैक्ट पिछले मुकाबले में भी फाफ और कोहली के लिए सेम बॉलर के सामने सेम ओवर के अंदर नई बॉल थी, स्विंग हो रही है ट्रेंट बोल्ट के लिए, बड़ी रेडिकली डिफरेंट फील्ड के साथ गेंदबाजी करते हैं, तो प्लानिंग में तो राजस्थान कभी पीछे नहीं रहती, तो आप ये मान के चलिए कि ऑफ स्पिनर आएंगे शुरू। ठीक है, इसके आगे और हम चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रतीक भाई आपके कैप्टनसी ऑप्शन बात है, आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है, जो कि इस मैच में डिसाइड कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। 100% मतलब हमने बहुत चर्चा कर ली, फिर भी हम एक कंसेंसस पे आ नहीं पाएगी, हम इसकी तरफ जाएंगे तो डिफिकल्ट होगा बहुत। और जैसे सभी ने कहा, मतलब आई थिंक जो चेस कर रही है वहां पर एक बायस होगा, तो मेरे लिए यशस्वी जायसवाल इधर साइड में पक्का कैप्टन बना के जाऊंगा, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट कर रहे हो बैटिंग सेकंड कर रहे हो। अगर हैदराबाद बैटिंग सेकंड कर रही है तो उस केस में टेम्पटेड रहूंगा कि अभिषेक शर्मा की तरफ जाऊँ, ट्रैविस हेड को नहीं बनाया जाता कैप्टन वाइस कैप्टन, तो अभिषेक शर्मा की तरफ थोड़ा सा टेम्पटेड हूँ कि कंडीशन जो है वो उनको थोड़ा सूट करके, यू नो, एक फिर से एक अगर क्विक स्टार्ट मिल गई तो वहां पे एक बड़ा डिफरेंस, यू नो, ही कैन प्ले। अगर राजस्थान बैटिंग सेकंड कर रही है तो उस केस में थोड़ा सा टेम्पटेड रहूंगा कि रियान पराग की तरफ चले जाऊँ एज माई वाइस कैप्टन ऑप्शन। पिछली गेम में भी मैंने डिस्कस करा था कि मेरी एक थोड़ी सी लेफ्ट हैंडेड लेफ्ट साइडेड चॉइस थी रियान पराग, बट ही गेव द रन्स एंड ओवरऑल कैचेस भी पकड़ लेते हैं, कैच ड्रॉ मतलब, यू नो, तो वहां पर ही कैन बी रियली रियली यूजफुल। तो ये वाले दो ऑप्शन, तीन ऑप्शन है रादर, जिनको मैं बैक करूंगा एज कैप्टन वाइस कैप्टन। स्ट्रेट ऑप्शन तो कोई भी नहीं है। जसवाल की हमने बात की कि सीजन वो चेस करते हुए थोड़े ज्यादा कंफर्टेबल रहे हैं, बैट फर्स्ट करते हुए एवरेज सिर्फ 16 का है उनका, वहीं चेस करते हुए वो दुगने से भी ज्यादा हो जाता है, इनफैक्ट एक सेंचुरी जो आई थी वो भी चेस करते हुए 50 थी। लास्ट रिवर्स फिक्सचर जो हुआ था जो कि 1 रन से जीती थी हैदराबाद, उस मैच में भी जसवाल ने रन किए थे। वहीं अभिषेक शर्मा की बात करें जहाँ पूरी टीम थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल है उनकी, उनके बैटर्स पहले बैटिंग करते हुए अभिषेक शर्मा को ज्यादा मजा आया चेस करते हुए, और उनके नंबर्स चेस करते हुए सीजन कंपेरेटिवली थोड़े बेहतर रहे, तो अभिषेक शर्मा एक ऑप्शन अगेन जिन्हें आप चेज करते हुए बात कर सकते हैं, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत सारी ड्यू आ सकती है यहाँ पे, स्पेशली अगर ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं हुई तो। फिलहाल जब मैं चेक कर रहा था अच्छी खासी ह्यूमिडिटी है 70% पे, तो अच्छे चांसेस हैं कि आपको पहले इनिंग में ही शायद ड्यू देखने को मिल जाए। अगर सर आपके लिए कैप्टनसी ऑप्शन कोई स्ट्रेट ऑप्शन है नहीं तो इस बार आप किसके साथ जाना चाहेंगे? सिमिलर चॉइसेस हैं, पर रियान पराग की जगह संजू सैमसन, तो संजू को मैं रखूंगा अपने, अगर वो चेस कर रहे हैं तो वो मेरे कप्तान भी हो सकते हैं, वाइस कप्तान तो छोड़ो, हो सकते हैं कप्तान ही हो मेरे, क्योंकि कीपिंग भी करेंगे बैटिंग भी करेंगे सामने से। अगर अभी भी वो व्यसकांत वो खेल रहे हैं तो आई विल बी वेरी सरप्राइज, वैसे हो सकता है वो खेले ही ना, उनकी जगह शायद वो मयंक मार्कंडे आ जाए, तो लेग स्पिन पे पिछले मैच में वैसे खराब शॉट मार के आउट हुए हैं टू बी फेयर, पर क्योंकि इस साल उनका साल कुछ अलग तरीके का रहा है, बहुत मैच्योरिटी के साथ बैटिंग की है, तो संजू सैमसन इन द रनचेज, और बिटवीन एक टॉस करूंगा कि हेड को बनाऊं या अभिषेक को बनाऊं, दो में से कोई एक बना दूंगा आंख बंद करके भगवान का नाम लेके, तो हनुमान चालीसा पढ़ के बनाऊंगा, देखते हैं किसका नाम आता है उसमें से। फिलहाल आपने संजू सैमसन की बात की तो लास्ट मैच में जो डिसमिसल आया अगेंस्ट करण शर्मा वो उनका पहला डिसमिसल था अगेंस्ट स्पिन दिस सीजन, और उससे पहले तक स्पिन के अगेंस्ट आउट ही नहीं हुए थे, इतना डोमिनेट किया था उन्होंने स्पिन को।
फिलहाल इस टीम की अगर बात करें तो इस टीम को भी डोमिनेट किया है, उनसे ज्यादा रन अगेंस्ट सनराइज हैदराबाद इन आईपीएल हिस्ट्री किसी भी बैटर ने नहीं बनाया, जबकि लास्ट मैच में इस टीम के अगेंस्ट उनका खाता भी नहीं खुला था, तब भी उनके मोस्ट रन और किसी बैटर के मोस्ट रन अगेंस्ट हैदराबाद धोनी के ही है। वो सेंचुरी भी मार चुके हैं, 50s भी मार चुके हैं, सारी 50 सारी 100 बैट फर्स्ट करते हुए आई है उनके अगेंस्ट इस साइड। लास्ट मैच में एक जीरो भी आया, लेकिन एट द सेम टाइम चिपॉक में बिल्कुल सक्सेसफुल अभी तक नहीं हुए। जो 9-10 पारियां उन्होंने खेली T20s में, उसमें 13 का एवरेज है, जो कि उनका सबसे खराब है इन T20s किसी वेन्यू पे। अगर आईपीएल में बात करें तो 4 इनिंग्स पे 49 रन है, तो स्ट्रगल किए हैं एट दिस वेन्यू, बट ऑप्शन ज्यादा है नहीं। होपफुली हनुमान चालीसा काम कर जाए, आप कैप्टन बना रहे हो तो संजू सैमसन के रन आ जाए, क्योंकि ज्यादा ऑप्शन इस मैच में है नहीं। प्रदीप भाई, काफी है। आपके लिए वो प्लेट अवॉइड। प्लेयर टू अवॉइड में, प्लेयर टू अवॉइड एज कैप्टन शायद मैं कहना चाहूंगा हेड, जिनको मैं बैट कर रहा था ऑल दीज गेम्स में, इस गेम में उनको कप्तान नहीं बना पाऊंगा। उसके दो तीन रीजन है। एक है कि वो लेफ्ट आर्म वाला थ्रेड जो हमने बैक टू बैक दो गेम में देखा है, यहाँ पर ट्रेंट बोल्ट है, आपने काफी बात करी है ट्रेंट बोल्ट की। सेकेंड, जब ये चेपॉक पे खेले थे लास्ट टाइम, आई रिमेंबर कि आपने अभी भाई दोनों ने उसको ड्रॉप किया था अपनी टीम से, राइट? और वो रिस्क काफी सही से पे ऑफ हुआ था। मैं टीम से ड्रॉप नहीं करूंगा, बट एज अ कैप्टन आई अवॉइड हिम, और उस गेम में वो फेल भी हुए थे। भले ही रिवर्स फिक्सर में राजस्थान के सामने 50 स्कोर करी थी, पर वहां पे भी एक चांस मिला था बीच में। तीसरा, मैं इनके मैचअप देख रहा था, तो वहां पर ऑफ कोर्स आवेश खान के सामने 3 में 2 बार आउट हुए हैं, संदीप शर्मा के सामने 2 में 1 बार है, तो वो वाला स्ट्रगल भी कहीं ना कहीं हर फेज में दिखेगा, राइट? अश्विन वाली बात जो आकाश सर ने करी थी, तो ओवरऑल अगेन ही माइट लिव लॉन्ग एंड वो बना भी रहे 60-70 जैसा उनका लग रहा है, बट एटलीस्ट जो नंबर्स कह रहे हैं वो कहानी कह रहे हैं कि शायद इनको बनाना सेफ ना हो। तो एज अ कैप्टन आई अवॉइड हिम। एज अ प्लेयर में राहुल त्रिपाठी बैटिंग फर्स्ट में शायद ना बैक करूं, चेस करते हुए बैक करूंगा, बट बैटिंग फर्स्ट आई माइट नॉट वांट टू पिक हिम, बिकॉज वहां पे मैं कोशिश करूंगा कि राजस्थान के एक एक्स्ट्रा बैटर को वहां पर बैक कर पाऊँ। एंड देन बॉलिंग सेक्शन में मल्टीपल ऑप्शन है पीयूष भाई, जिनको हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, अगर सर वैसे मैंने लास्ट मैच जैसे प्रदीप भाई ने बात की, ट्रेविस हेड को ड्रॉप कर दिया चिपॉक में, तो वो खेले थे और मुझे कोई उम्मीद नहीं थी चिपॉक में वो चलेंगे, बस इसी उम्मीद में ड्रॉप कर दिया मैंने। इसके अलावा वो मैचअप भी था ऑफकोर्स, लेकिन इस मैच की अगर बात करें, दो लेफ्ट आर्म पीसेस के अगेंस्ट आउट होते हुए आ रहे हैं, ट्रेंट बोल्ट है जिन्होंने एक्चुअली उन्हें आउट कर दिया था, बट वो आपको मैचअप में दिखेगा नहीं, कैच ड्रॉप हो गया। प्योर गट फील है, मैं चाहता हूँ ड्रॉप करना, बट ये सिर्फ आपसे सजेशन है, आपको लगता है कि ड्रॉप करना चाहिए? उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं है। नहीं यार, ड्रॉप तो नहीं करूंगा। स्मॉल लीग खेलते हैं भाई, वो प्लेयर भी वैसा है कि मतलब इसमें अगर ये टॉम कोलर कैडमोर होते, अब यही टॉम कोलर कैडमोर मिलेंगे आपको दूसरी तरफ से, और हो सकता है आप उनमें से, और उनमें से अगर एक अगर पिक करना हो तो हो सकता है हेड जो है वो फिर भी आपको हेडेक देकर जाए, पर आई विल नॉट ड्रॉप। मेरी टीम में ट्रैविस हेड तो होंगे, और हो सकता है TKC नहीं होंगे, तो वो शायद ड्रॉप हो जाए और एक रह जाए, तो ये एक कहानी जरूर होगी। और एक और चीज जो टेम्पलेट निकल के आ रहा है वो ये है कि जो हमने प्लेऑफ्स में एक बार चर्चा की थी कि सारे इम्पैक्ट प्लेयर, सारी लीग गेम्स 200, सवा 200, 250, पौने 300, इस बार 300 पार एंड ऑल ऑफ दैट, पर यहाँ तो 150 के लाले हैं इस समय। तो ये जब आखिरी हफ्ते में पहुंचते हैं तो उतने सारे रन नहीं बनते हैं, ये वाली बात एक और शायद जहन में करके रख के चलनी पड़ेगी कि अगर पहले बैटिंग करते हुए इफ यू गो हार्ड टू सून देन 159 पे आप ऑल आउट भी हो जाते हो, तो ये भी होता है ना सामने वाली टीम जब KKR होती है, तो ये एक जहन में बात रखने वाली बात है, पर हेड को नहीं करूंगा ड्रॉप यार, रख लूंगा टीम में। फिलहाल आपने वो बात की पैटर्न की कि वो धीरे धीरे जो स्कोर है वो कम होता जाता है, और वो आखिरी के मैचेस में वो 150 भी जो है आपको लगता है 180-190 आप चेज कर रहे हो। अगर आप बैटर्स के नंबर्स देखोगे IPL नॉकआउट्स, तो किसी के भी नंबर्स बढ़िया मिलेंगे नहीं आपको, सबके नंबर्स जो है वो एवरेज आपको 20-25 के आसपास का मिलेगा, तो वो क्लियरली बताता है कि इतने रन फाइनल स्टेज में बनते नहीं है, और वो ऑब्वियसली हिस्टोरिकल डेटा है और इस सीजन बहुत रन देखने को मिले हैं, बट स्टिल हमने लास्ट मैच में भी देखा कि उतना हाई स्कोरिंग गेम नहीं था, ना ही उतना इजिली वो चेज भी हुआ था। अच्छा तो ये बताओ फिलहाल मुझे, अब एक सवाल था मेरा एक्चुअली इसमें, मैं बेशक एडिट इट आउट इफ यू वांट, तो कोहली के कितना क्या एवरेज है प्लेऑफ्स में, सर लास्ट मैच तक 23-24 का एवरेज था, है ना? यही कोई बता रहा था, मैंने कहा यार दो गलत बता फिफ्टीज दिया किसी ने। थी, एक बैट फर्स्ट एक बैट सेकंड, ओके, बट कैप्टन लास्ट मैच में फिर भी थे मेरे, मेरे भी तो थे। ऑप्शन क्या था, ऑप्शन क्या था, तो इस मैच में भी ज्यादा ऑप्शन है नहीं। इनफैक्ट अगर आप हमें सजेशन देना चाहेंगे किसको पिक करना है, किसको नहीं करना है, किसको ड्रॉप करना चाहिए हमें, किसको कैप्टन बनाना चाहिए, तो हम कमेंट पढ़ते रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग छाप देंगे। हम भी हर बार बोलते हैं ना छापना नहीं, हम इस बार हम छाप देंगे आपकी टीम। फिलहाल आप छापना चाहें तो फैंटेसी अखाड़ा पे छाप सकते हैं, जहाँ पे चल रहा है लोवेस्ट कमीशन, आप कहीं भी जाइए सबसे कम कमीशन आपको यहीं पे मिलेगा, और फैंटेसी अखाड़ा वाले इतने दयालु लोग हैं, सो काइंड के मुझे भेजने वाले एमसी जी, मैं और आकाश सर मतलब सेम फ्लाइट हो गई है और बैग वैग मैंने पैक कर लिया है,
अगर सर मुझे तो इनफैक्ट वो जो मैं बता रहा हूँ ना कि कमेंट उठाते हैं हम, तो और वही वाला कमेंट उठाता हूँ जो मेरे एनसीजी भेज रहे होते हैं, तो एक कमेंट में था भी प्रतीक भाई चार्टर से भेज दो पीयूष भाई को, और पता नहीं कोई एनिमल मूवी का रेफरेंस भी दे रहे थे, वो तो मुझे पता अच्छा नहीं है, बट प्रतीक ओ भाई आप भेज रहे हो पीयूष पीयूष को भाई, यार। इंसान इंसान जब किसी चीज को बहुत तहे दिल से चाहे तो वो हो जानी चाहिए, पर आपने डेस्टिनेशन गलत चुना है तो शायद वहां गड़बड़ हो सकती है। सिडनी नहीं, एमसीजी। मैंने एमसीजी बोला प्रतीक भाई, अच्छा, मुझे सिडनी नहीं सुना दिया। नहीं बट ये शिद्दत से चाहने से तो अगर होता तो 17 साल में एक बारी हो चुका होता है यार। मुझे पता था कि आप वहीं आने वाले ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्दी फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। इसलिए अब मैं आ जाता हूँ विकेट कीपर सेक्शन पे, जहाँ पे संजू सैमसन हेनरी क्लासन दोनों स्ट्रेट ऑप्शन हो गए। अगर सर ध्रुव जुरेल क्या ऐसे ग्रैंड लीग में जो हमारे जो दर्शक का खेलते हैं क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आप? नहीं तो आप वो कर ले, मतलब ध्रुव जुरेल को ट्राई कर सकते हो। डीजे पर डीजे ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया एक्चुअली पिछले 2-3 मैच में। उससे पिछले मैच में तो 0 पे आउट हो गए थे वो, हाफ ट्रैकर हाथ में मार गए थे, और पिछले मैच में एक कैच छोड़ा उन या छूटा उनसे रन आउट में भी। नहीं भागना चाहिए तो लॉजिकली, क्योंकि मन तो नहीं था उनका भागने का, फिर भाग गए मन बना के। तो नहीं वो उतना अच्छा नहीं खेल रहे हैं जिसमें आप कैसे रखोगे 11 में। हाँ मतलब स्मॉल लीग में तो नहीं रख सकते यार। प्रदीप भाई आपके लिए विकेट कीपर्स बैटर्स ऑलराउंडर सब बता दो आप। तो पीयूष भाई बैटिंग और ऑलराउंडर में ना मैं बताता हूँ, बैटिंग सेक्शन में आप देखोगे कि सेल लगा हुआ है, इतने सारे बैटर्स हैं। और सेल से याद आया कि वैसे व्यू स्पोर्ट का भी महा बचत सेल चल रहा है, जहां पे आपको मिल रहा हैवी डिस्काउंट हमारे सारे पैक्स पर, मंथली, एनुअल और चाहे वो लाइफ टाइम हो। तो आपका स्पेशल प्राइस देखने के लिए व्यू स्पोर्ट ऐप पर चेक कर लेना कि आपको क्या मिल रहा है, एंड वहां से आपको बेझिझक जितने पैक्स लेने आप वो ले सकते हो। फैंटेसी टीम की बात करूं तो मेरे लिए बैटिंग सेक्शन में जायसवाल पक्का होंगे, हेड पक्का होंगे, अभिषेक शर्मा भी पक्का रहेंगे मेरी फैंटेसी टीम में। इनके बाद अगर हैदराबाद पहले करती है बैटिंग, तो उस केस में मैं शायद यू नो चेस राहुल त्रिपाठी को ना बैक करूं, बट चेस में पक्का राहुल त्रिपाठी को बैक करूंगा। एंड ऑलराउंडर्स पे आऊं तो मेरी टीम में पक्का होंगे रियान पराग, वहां पर अश्विन भी होंगे। नितेश रेड्डी पे थोड़ा सा मैं टेम्पटेड हूं कि उनको बैक करूं ना करूं, बट देखते हैं टॉस के अराउंड एक फाइनल कॉल लेंगे इस पर्टिकुलर बात पे। अगर सर आपके लिए बैटर्स ऑलराउंडर्स, नहीं ये सही है एक्चुअली, क्योंकि बैटर में मैंने भी रखे हेड, शर्मा जी और जायसवाल, ये 3 रखे हैं अभी के लिए। राहुल त्रिपाठी पता नहीं, मेरे फॉर माई लाइकिंग बड़ी रिस्क वाली क्रिकेट खेलता है भाई, उसको है कि ऐसे भी खेलना है वैसे भी खेलना है, पर 2 मैच में रन लगातार बनाए हैं, सो आई गेट इट। नितिश रेड्डी के पक्ष में सिर्फ ये बात जाती है कि स्पिन बहुत अच्छा खेले हैं वो इस साल, जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है स्पिन के खिलाफ, बड़ी अच्छी बैटिंग की है, और यहाँ स्पिन होगी वो 8 ओवर की स्पिन तो आने ही वाली है ना, और वो मिडिल ओवर्स में ही आएगी। सो नितिश रेड्डी के पक्ष में सिर्फ वो वाली एक छोटी सी चीज जा रही है, हालांकि एक्सपीरियंस भी अगर आप देखोगे तो राहुल त्रिपाठी के पास एट दिस लेवल इज अ लॉट मोर। तो वो ऑन द डे कॉल लेनी पड़ेगी यार कि किसको रखना है किसको छोड़ना है, पर 2 में से 1 पिक करना पड़ेगा, नॉट रॉकेट साइंस। तो हो सकता है नितिश रेड्डी, हो सकता है राहुल त्रिपाठी, फिर हनुमान चालीसा, उसके हिसाब से कर लेंगे। तो बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में पराग, अश्विन, इस बार तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस हो गया, अश्विन को अब तो आपको रखना ही पड़ेगा, हम भी रखेंगे, सब रखेंगे, और नितिश रेड्डी स्लैश राहुल त्रिपाठी स्लैश एन एक्स्ट्रा बोलर, मतलब कोई एक चीज वहां से ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, नितिश रेड्डी वैसे इस साइड के अगेंस्ट लास्ट मैच 76, और जो आपने स्पिन के गेम की बात की, रिवर्स में छक्के ही मारे थे युजवेंद्र चहल को, बहुत ही बेहतरीन पारी थी, जो कि लग रहा था कि एक स्लो विकेट है, और उसके बाद में फिर कंप्लीटली गेम चेंज कर दिया था नितिश रेड्डी ने। लास्ट मैच में बैटिंग फर्स्ट में इम्पैक्ट प्ले लिया था, जिसकी वजह से नितिश रेड्डी सेकंड इनिंग्स में बॉलिंग किए और ज्यादा करते अगर मैच चलता तो। लेकिन अगर वो फिफ्थ बॉलर होते हैं फिर से बॉलिंग फर्स्ट करते हुए, तो फिर वो रोल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फिर आपको 4 ओवर्स निकालने होंगे फ्रॉम नितिश रेड्डी, शाबाज अहमद, तो फैंटेसी पोटेंशियल काफी बढ़ जाता है, अच्छे चांसेस है कि शायद वो एक विकेट भी ले जाए। तो नंबर ऑफ बॉलर्स आप देख लीजिएगा बॉलिंग फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग विकेट ड्रॉप कर सकते हैं। बैटिंग सेक्शन में हेटमायर लास्ट मैच में आए अपने गुलाबी बाल के साथ, और उनके भी सबसे ज्यादा रन जो है वो हैदराबाद के अगेंस्ट आए हैं, इनकेस अगर आप मल्टीपल कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, जहां पे आपके पास में ऑप्शन है युजवेंद्र चहल का, 28 विकेट पिक किए हैं जो कि हाईएस्ट है किसी भी बॉलर के अगेंस्ट हैदराबाद, उन 28 में से 22 विकेट डिफेंड करते हुए हैं बॉलिंग सेकंड, जो इस सीजन में उनका बैटिंग रहा है। इसके अलावा पैट कमिंस, जिनके अब आई थिंक 16 विकेट हो गए हैं जिसमें से 11 डिफेंड करते हुए हैं, उनके भी बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं आईपीएल, 4 विकेट लेके 30 रन पे 4 विकेट, जो कि आए थे दुबई में अगेंस्ट एसआईडी, रिवर्स फिक्सर में भी 2 विकेट पिक किए थे।
इसके अलावा आपके पास ऑप्शन है ट्रेंट बोल्ट, नटराजन, भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा, आवेश खान, बहुत सारे ऑप्शन जो कि टोटली एक्सपर्ट ऑफ होंगे अगर सर। हाँ ये जो पहले बोलिंग कर रहा है उसका एक एक्स्ट्रा बोलर यार, सिंपल स्टोरी है, क्योंकि हालांकि जो ऑब्वियसली सबके नंबर आपने बताया उनके डिफेंडिंग में बेहतर हैं, पर हम ड्यू भी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हम ये मान के भी चल रहे हैं कि चेज जो है वो रिलेटिवली आसान होने वाला है। और उसका जो सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी जो होती है, जिसकी आपने शुरू में चर्चा की थी कि अगर आपकी पहले बैटिंग आ जाती है ऑन अ पिच लाइक दैट और विद विद अ चांस की बहुत ड्यू आने वाली है, तो आप कोशिश करते हो मुझे बहुत मारना है। जब बहुत मारने की कोशिश करते हो तो 7-8 विकेट भी गिरती हैं, कई बार आप ऑल आउट भी हो जाते हो, तो हो सकता है कि विकेट जो गिरे ज्यादा वो शायद पहले हाफ में ज्यादा गिरे, तो इस वजह से जो पहले बॉलिंग कर रहा है उसका एक एक्स्ट्रा बॉलर ले लेंगे, जो बाद में बॉलिंग कर रहा है उसका एक कम बॉलर ले लेंगे। पर पैट कमिंस को आप किसी भी स्टेज पे मुझे लगता है ड्रॉप इसलिए नहीं कर पाते हो क्योंकि पैट बैटिंग कमिंस की ना बैट से भी वैल्यू है यार, पैट वो बैटिंग करके देके जाता है, वो कैच भी कहीं ना कहीं खड़े होते हैं, एक आधा तो रनआउट भी इस बार उन्होंने बड़ा कमाल का मारा था डायरेक्ट हिट। तो पैट कमिंस आई विल हैव हिम इन माय साइट। भुवनेश्वर कुमार ने पिछले एक दो मैच में मुझे डिसअपॉइंट किया है, दिल पे लगी है मेरे, तो जब जब मैंने सेलेक्ट किया तब तब उन्होंने विकेट नहीं लिया, तो भूवी हो सकता है कि मेरी टीम का हिस्सा इस बार तो शायद नहीं हो पाएंगे, चाहे आंकड़े कुछ भी कह रहे हो। पिछले मैच में तो एक ही ओवर में दो आउट कर दिए थे उन्होंने, पहले बटलर को आउट किया फिर संजू सैमसन को आउट किया, इस मैच में नहीं लूंगा भुवनेश्वर कुमार, सॉरी। आपने बोल दिया, मैंने भी ड्रॉप कर दिया बॉलिंग सेकंड हाँ ऑफ हाँ का। प्रतीक भाई आपके लिए पता बोलर्स पीयूष भाई, कमिंस, नटराजन, चहल ये तीन पक्का होंगे। जैसे हमने डिस्कस करा था कि अगर राजस्थान बॉलिंग फर्स्ट कर रही है तो उस केस में एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके जाऊंगा यहाँ पे, तो वो ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान दोनों में से किसी एक को बैक करूंगा, संदीप शर्मा को नहीं बैक कर पाऊंगा। जैसे आकाश ने भूवी के साथ कहा, मैं संदीप शर्मा का कह रहा हूँ कि बैक कर रहे हैं पर विकेट ले नहीं रहे हैं, आज ड्रॉप करेंगे तो शायद फिर से विकेट ले जाएं। एंड अगर हैदराबाद चेस कर रही है तो उस केस में एनीवेज मैं राहुल त्रिपाठी को पिक कर रहा हूँ, तो तीन ही बैटर ले पाऊंगा बिकॉज ऑलरेडी मेरे पास कमिंस और नटराजन वहां पर है। ठीक है। संदीप शर्मा आप ड्रॉप कर रहे हो लेकिन मेरी टीम में जरूर होंगे अगर वो पहले गेंदबाजी कर रहे हैं तो। अभी भी मुझे लगता है वैल्यू है उनके साथ, 200 ओवर डाल रहे हैं अभी भी, प्रति बार रिस्क नहीं लेने का बता रहा हूँ आपको, जैसे आप ड्रॉप करोगे ले जाएंगे 3-4 विकेट, नहीं तो वेट इसलिए कर रहे हैं तो प्रतीक आप ड्रॉप करो, क्योंकि मैंने हम और ले पीयूष ने लेते हैं। मैंने और पीयूष ने तो मन बनाया संदीप टीम में होंगे, डन सर, डन। डन है, इतना तो कर सकते फिलहाल हैं देश आज के लिए, हमने वन फॉर द इतना टीम। मन भी बना लिया है कि रविचंद्रन अश्विन भी हमारी टीम में आ गए हैं, उनका वीक ऑफ कोर्स चेन्नई में खेल रहे हैं, उनके मोस्ट विकेट भी हैं, उनका बेस्ट बॉलिंग एवरेज भी है, इस वेन्यू पे बैटिंग फर्स्ट करते हुए अच्छे चांसेस है, राजस्थान रॉयल्स फिर से प्रमोट कर दे उन्हें, और जब जब अश्विन प्रमोट होते हैं विद द बैट जरूर एक बेहतरीन पारी, एटलीस्ट फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको अच्छे खासा कॉन्ट्रीब्यूट करके जाते हैं वो। सर लास्ट मैच में डी गेम था अगेंस्ट चेन्नई, मैंने वाइस कैप्टन बना दिया था, इस मैच में ऑब्वियसली ड्यू है, सेकेंड इनिंग से उतनी वैल्यू नहीं रहेगी बट टीम में जरूर रहेंगे। आपको लगता है अगर किसी को फिर भी मस्ती करनी है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं सेफ, आपको लगता है रविचंद्रन अश्विन एट शेपॉक एज कैप्टन ट्राई किए जा सकते हैं इवन स्मॉल लीग्स? हटके कैप्टन है, मतलब उसमें पहले बैटिंग में ही कर सकते हो, बाद में बैटिंग में तो नहीं सोचोगे इस बारे में आप, क्योंकि पर उसकी समस्या ये है पहले बैटिंग में हो सकता है प्रमोट हो जाए, पर देन देयर विल बी ड्यू इन द सेकंड हाफ, तो खतरों के अगर आप खिलाड़ी हैं तो फिर आप ले सकते हैं। और इस बार तो मैं जा भी नहीं रहा हूँ चेन्नई, तो फिर मैं उनसे पूछूंगा भी नहीं सवाल की कुट्टी स्टोरीज एटसेट्रा, तो कोई एम्बेरसमेंट भी नहीं होगी, तो मैं तो नहीं बनाऊंगा कप्तान। ठीक है, तो होपफुली मतलब पुराने वीडियोस उनके पास गए नहीं होंगे हमारे, जहाँ पे उन्होंने बोला, हमने बोला था कंसिस्टेंटली प्लेयर टू वर्ल्ड नहीं होंगे टीम में, इकोनॉमिकल रहते हैं, विकेट ही लेते हैं, होपफुली वो वाले वीडियो कोई नहीं पहुंचाएगा आप लोगों में से। वैसे अब तक तो देख ही लिए होंगे उन्होंने, क्योंकि इवन अभिनव मुकुंद ने भी हर वीडियो में, अभी भाई जब भी आए तब उन्होंने भी ड्रॉप किया है, हर बार प्लेयर टू वर्ल्ड दिनेश कार्तिक, हर बार प्लेयर टू वर्ल्ड रविचंद्र अश्विन। मैं कहा आपको दोस्ती से डर नहीं लगता क्या, दोस्ती टूट जाएगी आपकी? प्रदीप भाई जाने से पहले गिवे का सवाल, और क्यों एक सवाल आज आपका? मैं कहता हूं ट्रैविस हेड के रन्स प्रेडिक्ट करो। ठीक है बताओ। मैं शुरुआत करूंगा 27 टीम 27 तक टीम में तो रखेंगे प्रदीप भाई, में रखना अगर पड़ेगा, ऐसे नहीं बनाऊंगा, टीम में रखना। 39 39 मैं चले जाता हूँ विद अनदर 0, 3 in a row, 3 हो गया हमारा डेली का टाइम पास, लेकिन आपको जरूर मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, आपको जरूर मिलेगा 500 का अमेज़न वाउचर, कमेंट करना आपको ट्रेविस हेड के रन्स 0 से लेके 200 तक की काउंटिंग कोई नहीं लिखेगा, एक कमेंट अलाउड है, और अगर आप पास पास होते हैं तो आप जीत जाएंगे, कोई भी आस पास नहीं हुआ तो जो क्लोजेस्ट होगा वो जीत जाएगा। और आज के लिए इतना ही, जाने से पहले एज यूजुअल हम पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट से उनके प्रेडिक्शन। वैसे दोनों टीम्स एक बार ही खेली आज तक आईपीएल प्लेऑफ्स में 2013 में, बहुत पुराना गेम है इसलिए मैंने चर्चा भी नहीं की है, और वो जीता था राजस्थान रॉयल्स ने। इस मैच में आपके अकॉर्डिंग कौन खेलने वाला है फाइनल अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स? प्रतीक भाई आपसे स्टार्ट करते हैं जो कि ऑलरेडी फाइनल में है।
रॉयल्स, रॉयल आर्मी रॉयल्स। रॉयल्स। अगर सर आई विल गो विद हैदराबाद यार, एक हो गया खराब बैटिंग डे, वो बैटिंग डे दोबारा खराब, दो लगातार इन अ रो, लेट्स गो विद हैदराबाद, मजा आएगा। ठीक है, तो ये हमारी प्रेडिक्शन, आपकी क्या है वो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और आपके अकॉर्डिंग कौन सा खेलने वाला है फाइनल। उसी के साथ ट्रेविस हेड के रन, अगर आपको गिवअवे जीतना है और आपको मजा आ रहा है तो वो भी लिख देना साथ में कि मजे मजे आ रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम बिग फाइनल के प्रीव्यू में, तो आते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया का सर, प्रतीक सर, आपका समय देने के लिए। मुलाकात होगी अभी। थैंक यू, थैंक यू।